Hey guys, a warm welcome to all of you. In this video, I highlighted each articles of PPSP that is going to important for EPFO examination and other government examinations too. So do not skip it. Try to see each and every article. Try to remember that, because that is very important for us to remember those articles, because sometimes we forget, even we know that, but in exam due to a exam pressure we just forget those articles. So that is very important to remember each article. So I explain you each article, please watch it till the end, okay? So be with me at the end of this. So for the first article I have highlighted, mostly I try to highlight those articles which is really important for the EPFO examination 2020. So please try to remember that, because this examination, industrial labor laws and the industrial labor laws ke jo bhi articles isme jo importance hain wo maine highlighted ki hain. To chaliye shuru karte hain. Pehla 38 article hai. Article 38, ye sare articles hain jinhe maine boxes mein likhe hain. To ये 38 आर्टिकल है, इसने लिखा हुआ है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर. ओके, सो प्रमोट करना है हमें वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, हमें जो लोगों की भलाई के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, उनको सोशल ऑर्डर एक जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोशल ऑर्डर के थ्रू उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा. एंड मिनिमाइज करनी पड़ेंगी इनइक्वालिटीज़, किस तरीके की हमें इनइक्वालिटीज़ जो भेदभाव हैं उन्हें कम करना है. इनकम्स के रिलेटेड फैसिलिटीज़ देनी है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड जो भी फैकल्टीज़, जो भी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं लोगों को, उससे रिलेटेड जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जो इनकम से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ हैं, एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी चीज़ में आपके काम करने की चीज़ें हों, उसमें आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसमें अगर आपके साथ जो भी इनइक्वालिटीज़ होती है, तो उन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करने की बात कही गई है, ठीक है, आर्टिकल 38 के थ्रू. नेक्स्ट आर्टिकल है 39 आर्टिकल, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. 39 आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द DPSP, फ्रॉम द DPSP फॉर द EPFO एग्जामिनेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किस आर्टिकल में कहा गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मीन्स कि आपको समान काम के लिए समान वेतन मिला जाएगा. ये नहीं कि आप अगर काम जो है आपका, अगर आप वुमेन हैं तो आपको कम पैसे दिए जाएंगे उतने ही काम के लिए जितना मेन काम करता है, ठीक है ना. इस तरीके के जो इनइक्वालिटीज़ या जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो आपके साथ नहीं होंगे. तो ये बात आर्टिकल 39 में कही गई कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड. एक तो आपके जो भी आपका लिवलीहुड है, मीन्स है जो पर्याप्त आपको जो है आपके रहने के अनुसार आपको जो है आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, आपको पर्याप्त जो है पैसे दिए जाएंगे, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा, ठीक है ना. तो ये है आपके काम के लिए, एंड आपको जो है समान अधिकार है अपने खर्चे के लिए इतना कमाने का. तो ये बात इसमें कही गई है. नेक्स्ट है 39 का ए सब सेक्शन है, तो इसमें बात कही गई है प्रमोट किया गया है इक्वल जस्टिस को. आप सभी को कह रहे हैं कि इसमें इक्वल जस्टिस की बात कही गई है, यानी कि किसी भी तरीके की इनइक्वालिटीज़ या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना, सबको समान न्याय मिलेगा. तो प्रमोट इक्वल जस्टिस की बात कही गई है 39 ए क्लॉज में. ओके, तो 39 में हमने क्या सीखा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी हमें पहले समान वेतन मिलेगा, उसके बाद हमें समान वेतन मिलेगा, हम समान काम करेंगे, है ना, तो समान हमें न्याय भी मिलना चाहिए. अगर कहीं कोई बात, अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मान लीजिए हो जाता है, इसको एक स्टोरी के तरीके से कि आप मान लीजिए सब किसी कंपनी में या कहीं भी बाहर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपको समान वेतन या समान चीज़ें जो है प्रोवाइड करी जा रही हैं आपके काम के लिए, आपको उतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, आपकी लिवलीहुड के लिए, तो आपको क्या करना है. उसके बाद अगर कहीं कोई बात जो है लड़ाई या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको क्या किया जाता है, आपको अगर न्याय चाहिए तो उसके लिए भी आपको प्रमोट क्या करेंगे, इक्वल जस्टिस, आपको न्याय समान न्याय मिलेगा, ठीक है ना, उसमें किसी तरीके की इनजस्टिस नहीं होगी. तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है सोशल सिक्योरिटीज़ और इंडस्ट्रियल लेबर लॉस से, मेनली इंडस्ट्रियल लेबर लॉस से, बिकॉज वहाँ पर आपको इस तरीके से लेबर लॉस से, मतलब इंडस्ट्री में एक लेबर काम करता है ना, तो उस तरीके से आपको यहाँ रिलेट करना है कि क्या चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसको समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ऑफकोर्स, तो उसके लिए यहाँ पे बात करेगी. और उसके साथ अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है तो उसे समान न्याय नहीं मिलना चाहिए, ऑफकोर्स मिलना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है. और क्या कहा गया है, वो एक गाँव में अगर मान लीजिए रहता है, क्योंकि वो एक लेबर है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक किसी रूरल एरियाज़ में रहता होगा, देन उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके जहाँ जिस एरिया में वो रहता है रूरल एरिया में, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए विलेज पंचायत, यानी विलेज पंचायत होनी चाहिए, है ना. तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, विलेज पंचायत की बात करता है. एंड देन आर्टिकल 41
ये जो है गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, प्लीज़ आप इसे रिमेंबर रखिएगा, ये गांधीयन प्रिंसिपल में हमारी बातें कही गई है, ठीक है ना। एंड प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड एड फ्री लीगल टू द पुअर राइट टू वर्क। ओके, ये राइट टू वर्क का आप अलग कर दीजिएगा, ये उसके 41 के क्लॉज में आएगा। नेक्स्ट, ये पहले इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे कही है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल ओके टू द पुअर्स। इसमें एक बात ये कही गई है कि आपको जो है क्या करेंगे, इक्वल जस्टिस मिलेगा, सभी को न्याय, समान न्याय मिलेगा, एंड फ्री लीगल टू द पुअर्स, जो भी गरीब हैं उनको समान न्याय दिया जाएगा, ठीक है ना। वो है उनके लिए एक फ्री लीगल प्रोवाइड की जाएगी, लीगल जो है प्रोसीजर जो है, लीगल प्रोसीजर जो भी होंगे वो फ्री उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे, बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो किसी वकील को पैसे हायर कर सके, दे सके, है ना। सो इसके लिए उनको प्रोविजन किया गया है कि आपको अगर कोई बंदा गरीब है तो यानी कि उसे समान न्याय ना मिले, वो जाके वकील के पास ना जा पाए, उसके पैसे नहीं खर्च दे पाए उसको, है ना, क्योंकि उसकी फीस वो नहीं पे कर सकता बिकॉज वो पुअर है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको न्याय ना मिले, है ना। हमने बात करी है इस आर्टिकल में, DPSP में ऐसा प्रोविजन है कि हम क्या करेंगे, हर सेक्शन के वर्ग को जो है समान न्याय प्रोवाइड करेंगे, तो प्रमोट करेंगे इक्वल जस्टिस, उसके साथ कोई भी न्याय नहीं होगा, अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी हम उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। प्योर्स को ये बात कही है। देन हमारा इसमें इसी में आता है राइट टू वर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, राइट टू वर्क है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, उसे क्या करने के बाद पब्लिक में यानी कि जो भी लोगों के साथ जो है लोगों के साथ असिस्ट करके काम करने के लिए उसे स्वतंत्रता है ना, वो एजुकेशन को ग्रहण कर सकता है, लोगों के साथ काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसको जो है प्रोवाइड करी गई हैं आर्टिकल 41 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आर्टिकल जो है, देखिए, आप एक बार आपके साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए, और आप फ्री तरीके से ताकि काम करेंगे, है ना, फिर राइट टू वर्क करेंगे, फिर आपको क्या करेंगे, अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं यू आर ऑल्सो फ्री, ओके। तो ये इस तरीके से आप थोड़ा स्टोरी करके ट्राई टू रीड दैट कि हम उसे रिमेंबर कर सकें, ओके। तो 42 आर्टिकल यहाँ कहता है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। पहले तो बात कही गई ह्यूमन कंडीशन, यानी लोग किस तरीके से माहौल में काम करेंगे, एक ह्यूमन कंडीशन वहाँ पे जैसे लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी लोगों की, उस कंडीशन पे बात करी गई कि ह्यूमन की कंडीशन जो है किस तरीके से होगी काम करने के वक्त, यानी उसको प्रॉपर जो है फ्री टाइम दिया जाएगा ताकि थोड़ा रेस्ट भी कर सके, है ना, काम करने का कितना हार्स होनी चाहिए काम करने का। तो एक लेबर के टाइप से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को एसोसिएट कर सकते हैं कि हाउ ए लेबर थिंक एंड हाउ द कंडीशन वी कैन गिव देम इन द एनी इंडस्ट्री सो दैट लेबर कैन वर्क परफेक्टली, ओके। सो या दैट इज़ वाई वी से दैट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैटरनिटी रिलीफ। ह्यूमन जो भी वीमेन है, वीमेन के लिए जो भी मैटरनिटी रिलीफ की जो प्रोविजंस की गई हैं वो यहाँ पे की गई हैं 42 आर्टिकल में, कि आप मैटरनिटी रिलीफ दीजिए उनको, है ना, यानी कि जो भी जब वो माँ बनने वाली हैं, प्रेगनेंट है, वुमेंस हैं, जो भी लेडीज़ हैं, तो उनको उस टाइम पे आप क्या करिए, मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन करिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर दिस आर्टिकल, ओके, कि मैटरनिटी रिलीफ की बात आर्टिकल 42 में कही गई है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ओके, एंड लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स मतलब उसको काम करने का भत्ता मिलना चाहिए, जितना वो काम कर रहा है वो व्यक्ति, वो जो भी लेबर है हमारा, लेबर को प्रमोट करने की बात, लेबर के रिलेटेड ही हम इसे एसोसिएट करेंगे, ठीक है ना। तो लेबर के लिए जितना भी लेबर काम करता है उसको उतना भत्ता उसे मिलना चाहिए, उतना वेतन उसे मिलना चाहिए, है ना। तो 43 में आपका, देखिए, आपके पहले कंडीशन की बात करी गई कि आपका वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, है ना, अगर वुमेंस है तो उन्हें रिलीफ दी जाएगी, मैटरनिटी रिलीफ। एंड 43 में आप क्या कर रहे हैं, लिविंग वेजेस, कितना, देखिए, काम तो कर रहा है लेकिन कितना अब उसे पैसे मिलेंगे, तो लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, उसको कितने वेतन मिलेंगे, भत्ता मिलेगा, उसका प्रोविज़न यहाँ 43 में करा गया है। फिर 43 में हम क्या कह रहे हैं, प्रमोट करेंगे हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेजेस को, वर्कर्स को हम लिविंग वेजेस दे रहे हैं, उसको जितना रहने खाने का भत्ता है उतना दे रहे हैं, उसके बाद हम गाँव में क्या कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे हम, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जब होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों के पास काम मिलेगा, है ना, तो इसलिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हम उन्हें प्रमोट करेंगे उनको। अब 43 के ए क्लॉज में यहाँ पे क्या कहा गया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट,
जो भी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट हैं, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई को हायर करते हैं एम्प्लॉयर, तो वो उनके साथ जो इंडस्ट्री के जो मैनेजर हैं उनके साथ जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का। नहीं, ऐसा नहीं है कि वर्कर्स जो है कुछ और चाहते हैं और जो है मैनेजमेंट जो है वो कुछ और चाहती है, उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है उनका, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का मैनेजमेंट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, है ना। उसका एक कोऑर्डिनेट रिलेशन होना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर सकें, है ना। मैनेजमेंट की भी ज़रूरतें पूरी हों और वर्कर्स की भी, है ना। उनको ठीक से काम मिले और जो भी काम है वो वर्कर्स करें और जो है उनको मैनेजमेंट को थोड़ा उससे प्रॉफिट भी हो, है ना। इस तरह से पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का मैनेजमेंट इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। अब 43A के 43B में कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, जब आप एक अच्छे से काम करेंगे, जब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट के साथ, है ना, मिलजुट के काम करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, प्रमोशन होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी कोऑपरेट होगी, है ना, एक अच्छी सोसाइटी होगी जहाँ पे सब मिलजुल के काम करेंगे, तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके से क्रिएट होगी। तो 43B में यहाँ पे बात कही गई। नेक्स्ट 44 आता है। 44 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर दैट। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है फॉर सिटीजन्स के लिए, ओके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ये क्या कहता है कि एक सिविल कोड आपके लिए बनाया जाएगा सिटीजन्स के लिए, जो भी नागरिक हैं जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। एक ऐसा मतलब एक जो है एक ऐसी कोर्ट की व्यवस्था करी गई है जहाँ पे आप जाकर के अपने जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको अगर सिविल प्रोसीजरिंग चाहिए, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ के लिए केस लड़ना है, तो आप वहाँ जाके फाइल कर सकते हैं, आपका केस लड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था करी गई है, ठीक है ना, समान सिविल कोड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की गई व्यवस्था करी गई है सारे नागरिकों के लिए, ठीक है ना। तो 44 कहता है, क्योंकि 44 देखिए सेम है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी है सिविल कोड में, जितने भी लोग होंगे समान न्याय वो दिया जाएगा, ठीक है। तो 45 यहाँ क्या कहता है कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, कहता है कि जो भी 6 ईयर्स से नीचे छोटे बच्चे जो भी हैं उनके लिए हमें क्या करना है, प्रोविजन करना है कि हम उनके चाइल्ड केयर जो है प्रोवाइड कर सकें, उनको एजुकेशन दे सकें, यानी 6 ईयर्स से बच्चे जो भी हैं बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, उनको क्या करनी चाहिए, उनको एक उनके लिए एक प्रोविजन करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो छोटे बच्चे जो भी हैं उनकी एजुकेशन वो अपनी स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना। तो वो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा 45 से, ठीक है ना। तो 46 क्या कहता है, 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, अब हमने यहाँ पे बात करी एजुकेशन के, बच्चों को स्टार्टिंग 46 ईयर से छोटे जो भी बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे आपको चलिए स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो उन्हें प्रमोट करना चाहिए कि वो पढ़ना स्टार्ट करें। एंड 46 में हम करेंगे उनके प्रमोशन करेंगे एजुकेशन का, और जब उनकी शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो उनको क्या करेंगे, इकोनॉमिक में इंटरेस्ट होगा। अब जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है SC ST, मतलब जो भी शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइबल कास्ट के जो भी वीकर सेक्शंस पीपल हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए हम उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे या उनकी हम थोड़ी सी मदद करेंगे, उनको थोड़ा सा छूट देंगे, है ना। तो वही बात करी गई है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट दी गई है SC ST को, यानी जो भी एजुकेशन में उनको जिनको जो भी सहायता चाहिए वो इसकी व्यवस्था यहाँ पे 46 में करी गई है। तो हमने 45 में बच्चों के पढ़ने की स्टार्टिंग की बात करी और प्रमोशन, फिर उसके बाद में एजुकेशन को, और एजुकेशन में जो प्रमोशन करेंगे ये बच्चे, यानी जब बच्चे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे होंगे तो उन्हें जाहिर सी बात है कि वो अगर थोड़ा गरीब पुअर फैमिली से आते हैं तो उन्हें थोड़ी इकोनॉमिकली छूट दी जाएगी, है ना, ताकि वो थोड़ा सा पढ़ नहीं सके अच्छे से, तो उन्हें जो भी होंगी वो मॉनेटरी हेल्प करी जाएगी। नेक्स्ट है 47 कहता है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यहाँ पे बात देखिए, अब आप एजुकेशन कर रहे हैं लेकिन आपकी हेल्थ भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, तो 47 भी प्रोविजन करा गया है कि हम कैसे स्टूडेंट्स की या जो भी हमारे कंट्री के लोग हैं पब्लिक, उनकी हेल्थ कैसे इंप्रूव करी जाए, लेवल कैसे इनके न्यूट्रिशन का हाई करा जाए, है ना। तो उनके लेवल को न्यूट्रिशन के हाई करने की बात करेंगे, यानी उन्हें अच्छा पोषण मिले, है ना, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो जब अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी सेहत होगी तो अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छा एक पब्लिक को रिस्पॉन्स देंगे, एक अच्छी उनकी जो है काम करने की कैपेसिटी होगी। तो वही बात कही गई कि रेज करना है हमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग टू इम्प्रूव करनी, हमें लोगों के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, लिविंग स्टैंडर्ड को, यानी उनकी रहन सहन को जो है कि लेवल को थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें एक अच्छा भोजन, अच्छा जो है खान पान उनका अच्छा होना चाहिए। तो उसकी व्यवस्था यहाँ 47 में कही गई है कि लोगों को अच्छा भोजन करना चाहिए ताकि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव हो सके और लोगों के लिए, ठीक है। तो 48 अब क्या कहता है, 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री।
हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन करनी है, किसका संगठन करना है, एग्रीकल्चर, हमें खेती का संगठन करना है, यानी हमें खेती को जो है बढ़ावा देना है, एंड एनिमल हस्बेंड्री और जो पशुपालन है उनको हमें बढ़ावा देना है। तो हमें उनके लिए संगठन बनाना होगा, यानी हमें एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी जहाँ हम क्या कर सकें, बहुत अच्छे से खेती कर सकें और लोगों क्या करें, एनिमल लोगों का पशुपालन कर सकें, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन कर सकें एग्रीकल्चर का और हम एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कर सकें, ताकि हम क्या करें पशु के साथ जो, अब आप पशुपालन करेंगे तभी तो आप अच्छा अच्छी दूध पाएंगे, अच्छा सेहत अपनी कर पाएंगे, है ना। तो हम और हमारी इकोनॉमी के लिए भी वो बेटर है, तो हमें और हमारे उनसे हमें क्या बहुत सारी बेनिफिट्स होंगे, तो है ना। तो इस तरीके से रेवेन्यू के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू ऑल्सो बिकॉज देर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उस टाइम जो थी वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ताकि वो उनको प्रमोट कर सकें हम उनको, ठीक है ना। तो ये ठीक है। अब 48A कहता है कि प्रोटेक्शन करना चाहिए एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट सेफ्टी फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी कि हमारे जो भी जंगल हैं या जो भी जो हमारी वाइल्ड लाइफ्स हैं, सेंचुरीज जैसे बहुत सारी से हैं आप जानते होंगे, तो उनको जो भी पार्क है, जो भी हमारी इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें जो क्या करनी चाहिए, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए उसके हमें काम करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को। हमें अपना इन्वायरमेंट साफ सुथरा और उसके लिए जितने भी फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उन्हें हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए वाइल्ड लाइफ्स की, ठीक है ना, जो भी वाइल्ड लाइफ रहते हैं, ठीक है। तो 48 समझ में आ गया, 48A का हो गया। एंड 49 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, 49A कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं, देखिए हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं और प्लेसेस हैं, जो भी हमारे स्मारक हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करना उनको, क्योंकि वो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो हमारी, ठीक है ना, धरोहर है वो हमारी, तो हमें उनको उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो उनकी बात कही गई है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए प्लेसेस हैं उन्हें उनकी हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 49 ये हमारा हो गया, प्रोटेक्शन करनी चाहिए हमें मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस की। 50 कहता है, देखिए 50 यानी ये हमें सेपरेट की बात करेगी ना, तो यहाँ पे सेपरेशन है जुडिशरी का फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से। जो भी लॉज बनाते हैं, ठीक है ना, जुडिशरी जो न्याय देती है, जो लॉज ऑर्डर करती है, एंड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जो उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, उनका जुडिशरी, उनका सेपरेशन होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं एक ही बंदा न्याय बना रहा है, एक ही बंदा उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है ना, तो यहाँ पे सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से। जो दोनों बंदे क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, कोई एक दूसरा बंदा जो जुडिशरी जो न्याय करता हो और दूसरा बंदा जो उसे एग्जीक्यूट कर रहा हो रूट लेवल पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों का सेपरेशन होना चाहिए, इस बात को कहा गया है 50 आर्टिकल में, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एंड 51 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये बात कह रहा है कि हमें जो है, जो भी हमारे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज़, जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, उसे हमें प्रमोट करना चाहिए, उनका हमें प्रमोशन करना चाहिए, हमें विश्व में शांति और जो है एक सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए। तो इसकी बात ये 51 कहता है, ठीक है ना। तो ये थे सारे आर्टिकल्स जो PFO examinations के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो आई हैव रिटन ओवर हेयर ईच आर्टिकल्स एंड आई ट्राई टू रिमेंबर यू। प्लीज़ आप इसे 2-3 बार एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छे सारे जो है रिवाइज़ हो जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन आर्टिकल्स को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इन आर्टिकल्स में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा फिर भी आप उसको यूटिलाइज़ ना कर पाए, है ना, एग्जामिनेशन में। तो आपको डेफिनेटली रिमेंबर हो जाना चाहिए सारे आर्टिकल्स। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट एज आई कैन, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोज ऑफ मैथमेटिक्स इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड अदर एग्जामिनेशन। आई ऑलवेज पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोज, सो that will be definitely helpful for you. So you can subscribe and press the bell icon so you can get all the notifications from my channel, and stay updated. Okay, thank you so much.